आप लोग के इंजीनियरिंग मेथड्स 1 के लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। आज हम फिर से और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टेंजेंट एंड ऑर्बिट के ऊपर। पिछले क्लास में ये सीखा था कि किस प्रकार से हम टेंजेंट एंड नॉर्मल को डिफाइन करते हैं, और साथ में हमने वहां पर सीखा था कि उनकी परपेंडिकुलरिटी और पैरेललिज्म की कंडीशन क्या होती है। इसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ और भी क्वेश्चन पे बेस सॉल्व करेंगे। उससे पहले यदि अगर आपने मेरा चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक करना ना भूलें, और साथ में यदि आपको नोटिफिकेशन बेल अगर आप प्रेस करते हैं तो आपको हमारे लेक्चर आपको कंटिन्यू आपके ईमेल पर नोटिफाई होते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं टेंजेंट नॉर्मल का सेकेंड लेक्चर। आज हमारा क्वेश्चन है इफ नॉर्मल टू द कर्व एक्स टू दी पावर 2/3 प्लस वाई टू दी पावर 2/3 इक्वल टू ए टू दी पावर 2/3 मेक्स एन एंगल फाई with the axis of x, show that its equation is y cos phi equal to x sin phi equal to a cos 2 phi। यानी कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें कोई कर्व दिया हुआ है x to the power 2/3 plus y to the power 2/3 equal to a to the power 2/3। उसने हमसे बोला है कि इसका जो नॉर्मल है वो x एक्सिस से phi एंगल बनाता है, यानी कि इस नॉर्मल का जो स्लोप होगा हमारे पास वो tan phi कहलाएगा। क्या कहलाएगा? tan phi कहलाएगा। अगर ऐसा है तो हमें प्रूव करो कि उस नॉर्मल की इक्वेशन y cos phi minus x sin phi equal to a cos 2 phi होगी। आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे कि इस x to the power 2/3 यानी कर्व का पहले निकालेंगे हम स्लोप जो कि हमारा कहलाएगा dy/dx, और फिर हम उस कर्व का निकालेंगे नॉर्मल, ठीक है। और उस कर्व का नॉर्मल की जो इक्वेशन हमारे सामने आएगी वो हमको इतनी मिलना चाहिए। देखिए किस प्रकार से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले गिवन x टू दी पावर 2/3 प्लस y टू दी पावर 2/3 इक्वल टू a टू दी पावर 2/3, इसको हम कर रहे हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आपको मिलेगा 2/3 x टू दी पावर माइनस 1/3 एंड 2/3 y to the power minus 1/3 और साथ में dy/dx equal to हमारे पास होगा 0 क्योंकि a to the power 2/3 हमारे पास है 0। This implies that y to the power minus 1/3 dy/dx equal to आपके सामने होगा minus x to the power minus 1/3, that means dy/dx हमारे सामने होगा this is y to the power 1/3 अपॉन x टू दी पावर 1/3। हम उसको ऊपर लेके गए, उसको नीचे लेके। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास होता क्या है? स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है माइनस 1 अपॉन dy/dx। तो ये मेरे पास वैल्यू कितनी लिखा है, दिस इज द x टू दी पावर 1/3 अपॉन y टू दी पावर 1/3। ओके ना, क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है कि इस कर्व का जो नॉर्मल है वो x एक्सिस से phi एंगल बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको ये वैल्यू दी हुई है दिस इज इक्वल टू tan phi, क्या दी हुई है हमें tan phi के इक्वल दी हुई है। दैट मींस x टू दी पावर 1/3 हमें मिल जाएगा y टू दी पावर 1/3 tan phi। इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 2। हम यहां पर क्या करते हैं, पॉइंट ढूंढ रहे हैं किस पॉइंट पर हमारे पास वो नॉर्मल ड्रॉ किया जाए, ठीक है। अब इस x टू दी पावर 1/3 को बाहर रख देते हैं इक्वेशन नंबर पुट इन फर्स्ट। जैसे हम फर्स्ट में रखेंगे तो दिस इज एक्स टू दी पावर 2/3, तो ये हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर वाई टू दी पावर 2/3 इंटू, यहां पर हमें कितना मिलेगा जैसे वैल्यू को हम यहां पर रखेंगे कितना मिलेगा हमको यहां पर ये 10 टू दी पावर 2/3 फाइव प्लस y टू दी पावर 2/3 इक्वल टू a टू दी पावर 2/3, ठीक है। कैसे मिला हमें यहां पर x की पावर 1/3 हमारे पास इतना, तो x स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना होगा इतना मिलेगा हमें, और यहां पर हमें ये टर्म मिल जाएगी। अगर हम इसको चार कैसे लिख सकते हैं, दिस इज एक्स क्यू इक्वल टू वाई क्यू टेन, ऐसा करके भी लिख सकते हैं। जैसे वैल्यू हम यहां रखेंगे
तो y की पावर 2 by 3 हम लेगा tan क्यूब और ये हमको मिल जाएगा इस प्रकार से। दोनों से कॉमन हमारे सामने आ रहा है y की पावर 2 by 3 tan स्क्वायर 5 प्लस 1 इक्वल टू e टू द पावर 2 by 3। नाउ दिस इज y टू द पावर 2 by 3। नाउ दिस इज योर sec स्क्वायर 5 इक्वल टू a टू द पावर 2 by 3 यानी कि y की पावर 2 by 3 इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा दिस इज द cos स्क्वायर 5 cos स्क्वायर 5 a की पावर 2 by 3 यानी कि y इक्वल टू हमें मिल जाएगा यहां पर a cos q5। ठीक है, y इक्वल टू कितना मिलेगा हमें a cos q5। अब इस वैल्यू को उठाकर यहां रख देते हैं पुट इन 2 तो हमारे सामने क्या मिलेगा x इक्वल टू जैसे हमने वैल्यू रखी तो कितना मिलेगा बच्चों यहां पर जैसे y की जगह a। ठीक है, यहां पर कितना मेरे पास हो जाएगा cos q5 और tan q5 को मैं लिख दूंगा sin q5 अपॉन cos q5। cos q5 से cos q5 कैंसिल यानी कि x इक्वल टू मिल गया a sin q5। यानी कि हमें ये वो पॉइंट है यहां पर मिल गया जहां पर हमें अपना नॉर्मल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट a sin q5 और a cos q5 is क्या होता फॉर्मूला हमारा y माइनस y1 यानी कि a cos q5 इक्वल टू tan5 क्योंकि नॉर्मल का जो स्लोप है वो कितना हमारे पास है tan5 जो कि हमने यहां लिखा हुआ है। फिर x माइनस x1 यानी कि a sin q5। ओके, अब हमें इस टर्म को सिंपलीफाई करकर हमें ये आंसर आपको लाते देना है। देखिए इसको किस प्रकार से आएगा, दिस इज y माइनस a cos q5 tan5 को क्या लिख सकते हैं sin5 upon cos5। हमने इसको लिख दिया दिस इज sin5 upon cos5 x minus a sin q5। ओके, अब हम क्या करेंगे cos को मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ क्योंकि हमें अपना आंसर देना है y cos5। तो हमारे पास क्या आएगा दिस इज y cos5 minus a cos to the power 4 5 and minus x sin 5 minus a sin 2 the power 4 5। ठीक है, एक बार हम थोड़ा और समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कर्व दिया हुआ है और इस कर्व का जो नॉर्मल है वो x एक्सिस से साथ फाई एंगल फॉर्म कर रहा है तो हमें उस नॉर्मल की इक्वेशन इतना बनाना है। तो हमने क्या करा यहां पर पहले dy / dx निकाला जो कि minus y to the power 1 by 3 x to the power 1 by 3 आया। फिर हमने स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाला, हमारा जो होता है माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स होता है। आपको बोला गया है कि ये नॉर्मल जो है एक्स एक्सिस से पाई एंगल बना रहा है, इसका मतलब ये है कि वहां पर जो टेन जो अपना स्लोप होगा वो टेन फाइव बनाएगा। टेन फाइव इक्वल टू होगा एक्स टू दी पावर 1 बाई 3 वाई टू दी पावर 1 बाई 3 क्योंकि हमने इसकी वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। अब हमने यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया और एक्स की पावर को शिफ्ट किया कितना लगेगा एक्स इक्वल टू वाई टेन टू फाइव। इस एक्स की वैल्यू को उठाकर हमने इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया तो y की पावर 2 by 3 tan square 5 plus y की पावर 2 by 3 a की पावर 2 by 3 मिल गया। इन दोनों से हमने कॉमन निकाला y की पावर 2 by 3 तो tan square 5 plus 1 आया हमारे पास। नाउ दिस इज योर sec square 5, sec square 5 को हमने शिफ्ट किया तो हो गया cos square 5। पावर को हमने शिफ्ट किया तो a cos q 5 हो गया। इस y की वैल्यू को हमने रख दिया इक्वेशन नंबर 2 के अंदर तो x equal to y, y कितना था हमारे पास a cos q 5 ये हमने रख दिया tan 5 को tan q को लिख दिया sin q upon cos q 5 cos q से cos q कैंसिल होता है x equal to a sin q 5 मिल गया। हमने नॉर्मल की इक्वेशन निकाली a sin q 5 a cos q 5 is y minus y1 slope of normal यानी कि dy by dx x minus x1 sin tan को ओपन किया sin upon cos के अंदर तो x minus a sin q 5 क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया तो y cos 5 minus a cos to the power 4 5 x sin 5 minus a sin 2 the power 5। अब हम इस टर्म को सिंपलीफाई कर रहे हैं दिस इज y cos 5 दिस इज y cos 5 minus x sin 5 इक्वल टू इस टर्म को उधर लेके जा रहे हैं हमारे पास कॉमन कितना निकल रहा है a
और अंदर आपको मिला a cos टू दी पावर 5 माइनस sin टू दी पावर 4 5। ठीक है, यहां पर हमने cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो ये आपको मिलेगा दिस इज द cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5 एंड दिस इज cos स्क्वायर 5 माइनस sin स्क्वायर 5। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5 होता है 1 और ये हमारे पास होता है sin cos 5, ये हमारे पास होता है cos 5। तो फाइनली हमारा आंसर हुआ y cos 5 माइनस x sin 5 इक्वल टू a cos 5। ओके, तो ये हमारे पास वो नॉर्मल की इक्वेशन है जो हम सबको चाहिए। ठीक है, नोट करें आप इसे और आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन x upon a plus y upon b equal to 1 touches the curve y equal to b e to the power minus x upon a at point where curve cut the y axis। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है कि आपका एक कर्व है y इक्वल टू b e टू द पावर माइनस x अपॉन a, ये कर्व जो है y एक्सिस पे कट करता है, y एक्सिस पे कट करता है, तो आपको बताना है कि जब y एक्सिस पे कट करेगा तो वहां पर हमें मिलेगा एक कांटेक्ट पॉइंट। उस कांटेक्ट पॉइंट पर हमारे पास जो टेंजेंट की इक्वेशन होगी वो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 आना चाहिए। उसमें शब्द क्या लिखा है, टचेस द कर्व, टच मतलब कि उस कर्व को एक पॉइंट पर टच कर रहा है, तो वो जो टेंजेंट हमारे पास ड्रॉ होगा वो हमारे पास होगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, देखें इसको किस प्रकार से करेंगे। गिवन y इक्वल टू b माइनस x अपॉन a, मान लीजिए कि अगर ये कर्व अगर y एक्सिस को टच कर रहा है इसका मतलब ये है कि उस कंडीशन में हमारे पास x इक्वल टू कितना होगा, 0। कर्व एट y एक्सिस That is x equal to 0। कितना मिलेगा हमको, this is y b e to the power minus 0 यानी कि b। ठीक है, तो therefore point of contact is 0 b। ठीक है, हमने क्या निकाल लिया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इस कर्व का निकालेंगे dy by dx और उससे निकालेंगे तो टेंजेंट की इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट dy by dx मेरे पास कितना आएगा, दिस इज b e to the power minus x upon a और minus 1 upon a और दिस इज minus b upon a e to the power हो गया minus 0 क्योंकि हम निकाल रहे हैं कांटेक्ट पॉइंट 0 b पर। मेरे पास कितना आएगा, ओनली माइनस बी बाय ए, तो ये हो गया आपका इनटू 1 यानी कि माइनस बी बाय ए। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0 बी इज वाई माइनस वाई 1 यानी कि वाई माइनस बी इनटू डी वाई बाय डी एक्स dy by dx x minus 0। Now this is y minus b, dy by dx हमारे पास कितना हुआ है, minus b upon a। Now this is your minus b upon a into x। अब क्या करेंगे, b का कर देंगे डिवाइड क्योंकि हमें अपना आंसर इस फॉर्म में देना है। क्या करेंगे यहाँ पर, this is y minus b upon b equal to minus x upon
a, so y upon b minus 1 and this is minus x upon a, that means x upon a plus y upon b equal to, यही हमें यहां प्रूव करना था कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो आएगी हमारे पास वो x upon a plus y upon b equal to 1 हो। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? और क्वेश्चन तो देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट। शो दैट द कर्व x upon a to the power n y upon b to the power n equal to 2 touches the line x upon a y upon b equal to 2 at point AB, whatever may be the value of a, whatever may be the value of a, ठीक है? देखें इस क्वेश्चन में हमने क्या करा? ना क्वेश्चन हमारे पास क्या? Show that the curve x upon a की पावर n y upon b की पावर n equal to touches the line x upon a plus y upon b equal to at point a, यानी कि क्वेश्चन हमसे ये बोलना चाहता है कि ये जो x upon a plus y upon b equal to है इस कर्व का टेंजेंट है पॉइंट ab पर, भले ही n की वैल्यू मेरे पास यहां पर कुछ भी, यानी कि अगर हम यहां पर n equal to 1 2 3 कोई भी लेके चलेंगे हर बार हमें टेंजेंट की इक्वेशन में यही मिलेगी। ठीक है, देखें किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। गिवन x टू द पावर n y a टू द पावर n y टू द पावर n b टू द पावर n इक्वल टू 2 नाउ से दिस इज डिफरेंशिएट with respect to x and n x to the power n minus 1 upon a to the power n n y to the power n minus 1 upon b to the power n into dy by dx equal to 0. Okay, हमें कितना मिलेगा? This y to the power n minus 1 upon b to the power n dy by dx equal to minus x to the power n minus 1 upon a to the power n. This implies that dy by dx equal to minus b to the power n upon a to the power n and x to the power n minus 1 upon y to the power n minus 1. अब क्या करते हैं कि इस जो हमने dy by dx निकाला है इसको हम पॉइंट a पर फाइंड आउट करते हैं, कितना मिलेगा हमको ये? दिस इज dy by dx minus b to the power n a to the power n, this is a to the power n minus 1 and this is b to the power n minus 1. a to the power n कैंसिल होगा तो a नीचे आएगा, b to the power n minus 1 कैंसिल होगा तो ऊपर आएगा, यानी कि हमारे पास आंसर जो आएगा वो minus b upon a है। ठीक है, b ऊपर जाएगा और a नीचे आएगा हमारे पास। हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पर हम निकालते हैं टेंजेंट की इक्वेशन। The equation of tangent at AB is y minus b, this is dy by dx, x minus b. Now this is y minus b and this is minus b upon a, x minus a. That means y minus b upon b equal to minus x upon a plus 1. Okay, a का हमने divide कर दिया, b को हमने यहाँ पर नीचे लिख दिया है, तो इसको भी हम divide करेंगे, कितना आएगा मेरे पास? This is y upon b minus 1 and minus x upon a plus 1, यानी कि x upon a को अगर यहाँ पर ले आए तो x upon a plus y upon b equal to, यानी कि हमारे पास tangent की equation x upon a plus y upon b equal to 2. If line
x cos alpha plus y sin alpha equal to p, x cos alpha plus y sin alpha equal to p touches the curve x square upon a square y square upon b square equal to 1, then show that p square equal to a square cos square alpha plus b square sin square alpha, where small p is length of perpendicular on tangent from 0 to, ठीक है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, एक इफ लाइन x cos alpha plus y sin alpha equal to p touches the curve x square upon a square plus y square upon b square equal to 1, then show that p square equal to a square cos square alpha plus b square sin square alpha, where p is the length of perpendicular on tangent from origin। क्वेश्चन हमसे ये बोला जा रहा है कि हमारे पास x cos alpha plus y sin alpha equal to p जो है इस कर्व का टेंजेंट, ठीक है। अगर ये इसका टेंजेंट है तो बताओ कि p स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर cos अल्फा प्लस b स्क्वायर sin अल्फा होगा, जहां पर p जो है वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है ऑन टेंजेंट। जब भी अगर हमारे पास इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, हम क्या करेंगे कि हमको जो कर्व दिया है उस कर्व का पहले निकालेंगे हम टेंजेंट किसी पॉइंट पर, हम अज्यूम कर लेते मान लेते कि वो पॉइंट हमारे पास x1 y1 और एक टेंजेंट जो हमें दिया हुआ है उस टेंजेंट को आपस में हम कंपेयर करेंगे और साथ में हम वहां पर कुछ वैल्यूज निकालेंगे और उन वैल्यू की हेल्प से हम ये रिलेशन प्रूफ करेंगे, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी अगर इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं तो वहां पर हम क्या करेंगे कि जो कर्व दिया है उसका हम टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे, उस कर्व का टेंजेंट फाइंड आउट करने के बाद जो गिवन टेंजेंट हमें दिया उस दोनों का आपस में कंपेयर करेंगे, तो उनसे हमें कुछ वैल्यूज वहां से हमें मिलेगी, उन वैल्यूज को हम सॉल्व करके उनके बीच में हम ये रिलेशन लेके आएंगे, ठीक है। देखें गिवन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, नाउ से दिस इज डिफरेंशिएट with respect to x, तो हमारे पास कितना आएगा 2x upon a square 2y upon b square dy by dx equal to 0, तो 2y upon b square dy by dx equal to minus 2x upon a square, यानी कि आपको मिलेगा 2 से 2 अपना कैंसिल हुआ तो dy by dx माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन, ओके। हम क्या करते हैं कि इस स्लोप को हम किसी एक पॉइंट पर हम कह देते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास वो पॉइंट है एट एक्स वन वाई वन, तो मेरा जो स्लोप होगा वो कितना रह जाएगा, दिस इज डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स वन अपॉन वाई, ओके। अब हम निकालेंगे इसका The equation of tangent at x1 y1 is y minus y1 equal to dy by dx x minus x1 and y minus y1, now dy by dx मेरे पास कितना है minus b square upon of a square x upon y, तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, this is b square upon a square x1 upon y1 and this is x minus x1। अब हम क्या करेंगे, जो b square है इसको डिवाइड करेंगे, y1 का करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि y1
y माइनस वाई वन अपॉन बी स्क्वायर लिया हमने, और यहाँ पर हमने लिया x1 अपॉन ए स्क्वायर x माइनस एक्स, आपस में मल्टीप्लाई करें हम तो कितना आएगा, y y1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस x x1 अपॉन ऑफ ए स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर अपॉन ऑफ ए स्क्वायर, हमें क्या मिलेगा, दिस इज x x1 अपॉन ऑफ ए स्क्वायर प्लस y y1 अपॉन ऑफ b स्क्वायर इक्वल टू दिस इज x1 स्क्वायर अपॉन ऑफ a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन ऑफ b। अब देखिए ये जो हमारे पास x1 स्क्वायर अपॉन ऑफ a स्क्वायर y1 अपॉन ऑफ b स्क्वायर आ रहा है, ये पॉइंट हमारे पास क्या, ये मतलब इक्वेशन जो है 1 कहलाएगी, क्यों कहलाएगी, क्योंकि जो भी हम यहां पर कांस्टेंट पॉइंट अज्यूम करेंगे वो कांस्टेंट पॉइंट डेफिनेटली अपने कर्व को भी सैटिस्फाई करेंगे, तो जैसे ही ये पॉइंट इस कर्व के अंदर रखे जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, जैसे x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका मतलब ये होगा कि ये वैल्यू मेरे पास 1 के इक्वल कहलाएगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज x x1 अपॉन ऑफ a स्क्वायर दिस इज y y1 अपॉन ऑफ b स्क्वायर इक्वल टू 1, तो आपसे दिस इक्वेशन नंबर 2 और ये हमने कहां से लिखा है, फ्रॉम फर्स्ट। अब ये मेरे पास इक्वेशन टेंजेंट हमको मिल गई इस कर्व, और एक टेंजेंट की इक्वेशन में क्या दे रखी है, x cos alpha plus y sin alpha equal to b given, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व 1 इज x cos alpha plus y sin alpha equal to t, ठीक है, नाउ से दिस इक्वेशन में हम जानते हैं कि यदि कोई दो लाइन अगर एक ही चीज को अगर रिप्रेजेंट करती है तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास कंडीशन होती है a1 upon b1, a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, उस कॉन्सेप्ट को हम यहां पर फॉलो करेंगे, क्या लिखा, सिंस सिंस इक्वेशन टू एंड थ्री रिप्रेजेंट द सेम लाइन देन इधर x का कोफिशिएंट कितना है, x1 अपॉन a स्क्वायर, इधर x का कोफिशिएंट कितना है cos अल्फा, तो मेरे पास कितना आ गया, दिस इज द x1 अपॉन a स्क्वायर अपॉन cos अल्फा, y1 अपॉन b स्क्वायर दिस इज sin अल्फा, और दिस इज 1 अपॉन t, ठीक है। अब इस चीज से हम कुछ वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे, हम यहां पर यहां से देखिएगा, दिस इज x1 अपॉन a अपॉन ए कॉस अल्फा ऐसा ले सकते हैं, एंड दिस इज वाई वन अपॉन बी अपॉन बी साइन अल्फा इक्वल टू वन बाई सी, हम क्या करेंगे एक बार इसको उसके साथ देंगे और एक बार इसको उसके साथ देंगे, कितना मिलेगा हमको ये, दिस इज एक्स वन अपॉन ऑफ ए इक्वल टू ए कॉस अल्फा अपॉन बी एंड वाई वन अपॉन बी इक्वल टू बी साइन अल्फा अपॉन टी, ओके। अब क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायरिंग करके ऐड कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड एंड एडिंग, कितना हमारे पास आएगा, दिस इज एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर and this is y1 square upon of b square equal to a square cos square alpha upon b square and b square sin alpha square alpha upon of b square. Now again this is x1 square upon of a square plus y1 upon of b square equal to 1. ठीक है, ये फिर से क्या हो गया हमारे पास, 1 हो गया, and this is a cos square alpha plus b sin square alpha upon b स्क्वायर, इधर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज p
पी स्क्वायर इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी साइन स्क्वायर अल्फा, तो हमारे पास रिलेशन क्या रहेगा, पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इस प्रकार से हम ये रिलेशन अपना फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x minus 3 equal to 0, so that tangent at that point is parallel होगा तो ऐसी कंडीशन में उस कर्व का जो स्लोप होगा वो जीरो होगा। ठीक है, इसकी हेल्प से हमको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालेंगे। गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज टू एक्स एंड दिस इज टू वाई, डी वाई बाय डी एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो हमें कितना मिलेगा, दिस इज डी बाय बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस टू एक्स माइनस टू अपॉन टू वाई, यानी कि माइनस एक्स वन माइनस वन अपॉन वाई, सिंस टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन dy by dx equal to, हमारे पास क्या होगा, dy by dx की वैल्यू जीरो रहेगी, तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस वन अपॉन वाई इक्वल टू जीरो, यानी कि x इक्वल टू माइनस। ठीक है, अब इस x इक्वल टू माइनस वन को हम कर्व के अंदर रखते हैं, पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट कितना आएगा, दिस इज माइनस वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू इंटू माइनस वन माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, नाउ दिस इज माइनस, दिस इज वन प्लस माइनस टू माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर, यानी कि वाई इक्वल टू प्लस माइनस टू, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट is minus one plus minus two। ठीक है, इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मेरा लेक्चर कैसा लग रहा है, तो अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डाउट अगर आपको है तो चैनल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मुझे बता सकते हैं, आपकी क्वेरी 24 आवर में सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। अगर आपको लगता है कि अगर आपको प्रीवियस सेमेस्टर के पेपर के सॉल्यूशन की सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे ब्लॉग स्पॉट पर विजिट कर सकते हैं www.sonendragupta.blogspot.in। और अगर आपको लगता है कि और भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 की बुक जो जनपत्र है पब्लिकेशन कंपनी से पब्लिश होती है, उसको आप ऑनलाइन या मार्केट से परचेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।